हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है IBPS क्लर्क 10th का जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली आउट हो चुका है। आप सब लोगों को पता लग ही गया होगा। और इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो जो स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट से आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसीज़ हैं स्टेट वाइज़ वो डिस्कस करता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले जो अंडमान एंड निकोबार है वहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसीज़ इन्होंने कितनी डिक्लेयर की हैं? ज़ीरो, क्योंकि काफ़ी बैंक्स ने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं की हैं, आप देख लीजिए। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं? टोटल आपकी 10 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से यूको बैंक है जिसने वैकेंसीज़ डिक्लेयर की हैं, बाकी जो बैंक हैं किसी ने भी अपनी वैकेंसीज़ डिक्लेयर नहीं की हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की वैकेंसीज़ हैं टोटल 10। नेक्स्ट इज़ अरुणाचल प्रदेश में टोटल 1 वैकेंसी है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं की है, और सिर्फ एक ही बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक जिसने एक वैकेंसीज डिक्लेयर की है जनरल कैटेगरी में। नेक्स्ट इज़ असम, असम में भी ओनली 7 वैकेंसीज हैं, सॉरी 7 UR की हैं, टोटल 16 वैकेंसीज हैं असम के अंदर। बिहार में देख लीजिए आप, टोटल 76 वैकेंसीज हैं ओनली, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 2 ही बैंक ने किए हैं बिहार में, पंजाब सिंध बैंक एंड यूको बैंक। क्योंकि आप ये देखिए, जिन 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 बैंकों का मर्जर हुआ है उस बैंक उसमें से किसी भी बैंक ने अभी वैकेंसी अपनी रिपोर्ट नहीं की है, आप देख सकते हैं ये चीज़ साफ साफ पता लग रही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ चंडीगढ़, चंडीगढ़ में टोटल आपकी 6 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, ओनली एक ही बैंक है, मतलब 2 बैंक हैं सॉरी, जिन्होंने डिक्लेयर किए हैं। एक है आपका बैंक ऑफ इंडिया और एक है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि इनका तो अभी आपको पता ही है मर्जर तो हुआ नहीं है इनका किसी भी साथ बैंक के साथ। तो मर्जर वाले जो बैंक्स हैं उन्होंने अभी तक किसी ने भी अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही है, ठीक है। और बाकी देख लीजिए आप, दिल्ली की बात करो आप तो दिल्ली में देखिए आप, टोटल 67 वैकेंसीज़ हैं आप लोगों की, ठीक है, जिसमें से जनरल की 30 वैकेंसीज़ हैं और EWS की 6, OBC की 17 एंड ST की 4, SC की 10, टोटल 67 है। और यहाँ पे भी किसी एक ही बैंक ने, पंजाब एंड सिंध बैंक है जो इसने डिक्लेयर किया है, और एक बैंक ऑफ इंडिया है दिल्ली में भी जिसने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वैकेंसीज़, ठीक है। ज़्यादातर स्टेट्स में यही हैं, पंजाब सिंध बैंक हो गया या फिर आपका यूको बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने ही वैकेंसीज़ दी हैं अभी तक, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा किसी बैंक ने अभी तक अपनी वैकेंसीज़ को रिपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेट है गोवा, इसकी भी देख लीजिए आप, कमी है वैकेंसीज़ यहाँ पे भी। नेक्स्ट इज़ गुजरात, गुजरात में भी टोटल आपकी 119 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से एक रिपोर्टेड बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक एंड पंजाब सिंध बैंक, यही 4 बैंक हैं जो वैकेंसीज़ दे रहे हैं। इसके अलावा किसी बैंक ने भी वैकेंसीज़ नहीं दी हैं। हरियाणा में देख लीजिए आप, टोटल ओनली 35 वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पे भी पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक है जिसने वैकेंसीज़ डिक्लेयर की हैं। हिमाचल प्रदेश में भी यही है, ठीक है। बाकी स्टेट्स में देख लीजिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो सबसे बड़ा स्टेट है उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ पे क्या है, कितना वैकेंसीज़ इन्होंने दी है। बाकी आप देख लीजिएगा स्टेट वाइज़, अपनी स्टेट वाइज़ ये जो वैकेंसीज़ हैं काफ़ी कम है वैकेंसीज़, मर्जर का इफ़ेक्ट साफ दिख रहा है इसमें जो नोटिफिकेशन आया है इस साल का। ये होगी पंजाब की, पंजाब की भी चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। पंजाब में टोटल 136 वैकेंसीज़ हैं आपकी, ठीक है, और रिपोर्ट करने वाले सिर्फ अभी तक 4 ही बैंक हैं। जितनी भी स्टेट्स में वैकेंसीज़ आई हैं ये, इन सभी स्टेट्स के अंदर टोटल 4 बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज़ रिपोर्ट की हैं। फर्स्ट इज़ बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक, दीज आर दी ओनली 4 बैंक्स विच हैज़ डिक्लेयर वैकेंसी। राजस्थान में बहुत हैं, कम है वैकेंसीज़, ओनली 48 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे भी। और सिक्किम, ये तो हो गया आपका, तमिलनाडु में देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, ओनली 77 वैकेंसीज़ इन्होंने दी हैं यहाँ पे। अब बात आती है यूपी की, ठीक है। अब आप जो मेजर स्टेट हैं उसमें क्या ये एक्सपेक्ट करोगे, ओनली 136 वैकेंसीज़ हैं, जिस स्टेट में लास्ट ईयर अराउंड अराउंड
2-3 थाउजेंड के करीब वैकेंसीज गई थी टोटल मिला के उत्तर प्रदेश के अंदर। इस साल वहाँ पे ओनली 136 वैकेंसीज हैं, जिसमें से रिपोर्ट करने वाले भी वही 4 बैंक हैं जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक। बाकियों ने नॉन रिपोर्टेड दिया है और कईयों में नील है। नील का मतलब है 0 वैकेंसीज हैं उनकी, कोई वैकेंसीज नहीं डिक्लेयर किया उन्होंने। तो 136 वैकेंसी से आपको एक चीज़ अंदाज़ा लग गया होगा कि इस साल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है आप लोगों के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होने वाला है इस साल, ठीक है। ये तो बात हो गई यार देखो वैकेंसीज़ की, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब कुछ एक बार इसका जो लास्ट डेट है और वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मानता हूँ यार वैकेंसीज़ कम है, बट अभी कुछ बैंक ने रिपोर्ट भी नहीं किए हैं, तो आप खुद से भी कुछ ना कुछ एजम्पशंस नहीं ले सकते हो, आपको भी पता ही है ना। ये बैंक थे जिन्होंने रिपोर्ट किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब अभी बोला है जो मर्जर हुए हैं, देखो कनाडा बैंक हो गया सिंडिकेट के साथ मर्जर हुआ था इसका, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। अभी इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, कल से 2/9/2020 से 23/9/2020 तक। उसके बाद एप्लीकेशन ये भी इसी टाइम करना है इनको। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का टाइम क्या है, 17/11/2020 से, और जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा ये डेट है उसकी दिसंबर में ही होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो ये होगी डेट उसकी 5/12/5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। रिजल्ट कब आएगा, 31 को। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर मेन एग्जामिनेशन 12/1/2021 को। ये तो और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन कब होगा इसका, 24/1/2021 को, ठीक है, 24 जनवरी को इसका मेंस का एग्ज़ाम है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। आपकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है, ये सारा सेम ही होता है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें बताने लायक यही थी, जो वैकेंसीज थी स्टेट वाइज एंड और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। पीओ का तो थोड़ा डिफरेंट होता है एग्जामिनेशन पैटर्न, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जो क्लर्क का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है, ये है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, इसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं प्रीलिम्स में, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, 20-20 मिनट्स ईच सेक्शन के लिए मिलता है आपका, 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। आपको इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है। इसके अलावा आपको ओवरऑल जो कट ऑफ होती है वो भी आपको क्लियर करनी होती है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट इज़ आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपका टोटल आपका टाइम मिलता है आपको 160 मिनट्स का, जिसमें जीए में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल होते हैं 190-200 मार्क्स के, और ये इंडिविजुअल टाइम होता है आपका अलग अलग सेक्शन वाइज, ठीक है, एक कंपोजिट टाइम नहीं होता है इसमें, तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये एग्जामिनेशन पैटर्न है इसका। और मेंस में भी यही होता है, आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी होती है और आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और यही एक एग्ज़ाम है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है आईबीपीएस का, क्योंकि एसबीआई ने तो सेक्शनल कट ऑफ ख़त्म ही कर रखा है, ठीक है। तो गाइज ये है लास्ट डेट आपकी 23, और एग्ज़ामिनेशन फीस बता देता हूँ मैं आपको, एक मिनट, एग्जामिनेशन फीस ये रहा आपका एग्जामिनेशन फीस, तो 175 SC ST PWBD के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए एंड 854 ऑल अदर जनरल EWS एंड आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो आपकी 23 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। अंत में मैं ये कहूँगा अपनी स्टेट से अप्लाई करो, ठीक है, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। मैं ऐसी अभी जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस और लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो यार मेहनत करते रहो, ठीक है। मानता हूँ यार वैकेंसीज लास्ट ईयर से बहुत कम हो चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी बैंकों ने रिपोर्ट ही नहीं किए हैं। कुल मिला के 4 बैंक हैं जिन्होंने रिपोर्ट किए हैं,
ठीक है, चार बैंक कौन कौन से हैं आपको भी पता ही है। पहला है आपका बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, PSB पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और एक बैंक और है जो आपका जिसने डिक्लेयर करी है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो, जो आपका यूको बैंक, सॉरी हाँ यूको बैंक। ये चार बैंक हैं जिन्होंने रिपोर्ट किए हैं। अब यार वैकेंसीज तो इतनी होनी थी ना, वैकेंसीज तो कम होनी थी ना, ऑब्वियस सी बात है, जब चार बैंक ने वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं, बाकियों ने तो रिपोर्ट की नहीं ना, तो टोटल वैकेंसीज तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होनी ही है। बट आप ये सोच के मत चलिए, अभी आपको ये सोच के तैयारी करो कि आपको एक सीट चाहिए और अपनी स्टेट से ही मैं एग्ज़ाम को निकालूंगा, ठीक है। ये पॉजिटिव माइंड से आप तैयारी में लग जाओ, अभी टाइम बहुत है आप लोगों के पास, आराम से निकलेगा पेपर, टेंशन मत लो, ठीक है। तो गाइस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।